हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ब्लूटूथ ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में ब्लूटूथ ड्राइवर नहीं दिख रहा है, आप उस ब्लूटूथ ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आना होगा अपने स्टार्ट बटन पे, और इधर राइट साइड में दिख रहा होगा आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन, तो आपको कंट्रोल पैनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज कर लेना है जिससे आपको ऑप्शन ढूंढने में आसानी हो जाए। यहाँ पे आपको क्लिक करके कैटेगरी चूज कर लेना है आप, जिससे क्या होगा आपको ऑप्शन ढूंढने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हार्डवेयर एंड साउंड पे क्लिक करना होगा आपको दोस्तों, और क्लिक कर देने के बाद इधर ऊपर दिख रहा होगा आपको डिवाइस मैनेजर, यहाँ पे देख सकते हैं, तो डिवाइस मैनेजर पे आपको क्लिक करना होगा। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ ड्राइवर नहीं है। हम इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने ब्लूटूथ ड्राइवर को, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको यहाँ ऊपर साइड दिख रहा होगा एक्शन का बटन, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्शन का दिख रहा है बटन, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक्शन का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे दिख रहा होगा स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस, इस पर आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक कर देने के बाद ये ऑटोमेटिकली ही आपके ब्लूटूथ ड्राइवर को इंस्टॉल करके ला देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ब्लूटूथ ड्राइवर आ चुका है इंस्टॉल होके, देख सकते हैं ये ब्लूटूथ ड्राइवर आ चुका है इंस्टॉल होके। दोस्तों, ये तभी पॉसिबल हो इंस्टॉल हो सकता है जब आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट होगा, तभी ब्लूटूथ ड्राइवर इंस्टॉल होगा, अन्यथा नहीं इंस्टॉल हो पाएगा। तो आप पहले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट ऑन कर लीजिए या कनेक्ट कर लीजिए इंटरनेट, तभी आप ब्लूटूथ ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।